उत्तर प्रदेश का स्टोरी टाइम। मैं रौनक हूँ। और मैं चंचल। और हम कहानियों की रंगीन दुनिया में रहते हैं। चलो हमारे साथ। डियर चिल्ड्रेन, आर बुक्स टीचर्स मेनी थिंग्स like how to read, how to write and how to behave. कितनी helpful होती है ना हमारी books हमारे लिए, इसलिए हमें अपनी books को संभाल कर रखना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं कहानी books our best friends। चेतना और प्रज्ञा best friends थी। चेतना class 3 की student थी और प्रज्ञा class 4 की। उस दिन उनका रिजल्ट आने वाला था। दे वर क्वाइट हैप्पी ऑन दैट डे बिकॉज चेतना स्टूड थर्ड इन द क्लास। हाँ, चेतना की क्लास में थर्ड पोजीशन आई थी। एंड प्रज्ञा हेल्ड द फिफ्थ पोजीशन इन हर क्लास। और प्रज्ञा अपनी क्लास में फिफ्थ आई थी। रिजल्ट मिलने के बाद वो दोनों खुशी खुशी अपने घर जा रही थी। ऑन द वे They were discussing many things. तो चलिए सुनते हैं वो दोनों क्या बातें कर रही थी। प्रज्ञा दी, now I will take class 4 books from you. अब मैं आपसे class 4 की books ले लूंगी, क्योंकि अब तो आप class 5 में promote हो गई है ना? अरे नहीं चेतना, no. I don't give my books to anybody. मैं अपनी books किसी को नहीं देती हूँ। लेकिन अगर तुम books को study के लिए लेना चाहती हो, I will surely give it to you. But दीदी, आप इन old books का करती क्या हैं? मैं अपनी हर class की books को संभाल कर रखती हूँ और spare time में उन्हें पढ़ती हूँ. I love to read books. But दीदी, what is the need of previous class books? इससे तो exam में कोई question नहीं पूछा जाएगा. फिर किस काम की हैं ये? चेतना, you are really innocent. तुम कितनी भोली हो. बुक्स न्यू या ओल्ड नहीं होती हैं। बुक्स हमेशा हमें नॉलेज देती हैं, न्यू वर्ड्स एंड वैल्यूज सिखाती हैं। इफ वी फॉरगेट समथिंग, बुक्स रिमाइंड अस दैट अगेन। अगर हम कुछ भूल जाते हैं, बुक्स पढ़ने पर हमें वो चीजें फिर से याद आ जाती हैं। यस दीदी, ये बात तो है। यू आर रियली माई बेस्ट फ्रेंड। आप मुझे बहुत कुछ सिखाती हैं। अब तुम्हें समझ में आ रहा है? The way I'm your best friend, books are also our best friends. समझी? Yes, दीदी, मैं समझ गई। Books are our best friends. दोनों friends ने दिन भर खूब खेला और enjoy किया। And in the evening, they returned to their homes. रात को सोते समय, चेतना प्रज्ञा दीदी की सारी बातें recall करने लगी। In her dream, she met a book. A big book. बहुत बड़ी book और वो भी गाने वाली book. और वह book गा गा के अपना introduction देती है. तो चलिए सुनते हैं कि book अपना क्या introduction दे रही है. देखो 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 मेरा look, look look look. मेरे अंदर है एक पूरा world. आओ इसकी सैर करा दूं, मेरी दुनिया तुमको दिखा दूं. Come on, come with me, Chetna. Oh, here is a bunny with his cute Sunny. Hello, bunny. Hello, Sunny. How do you do? We are fine, thank you. What about you? What about you? Fine, fine, fine. देखो 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 मेरा look, 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 look. Wow, here is a beautiful rainbow. Rainbow, rainbow, rainbow. I can show you its colors in a row. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. I have everything from A to Z. A to Z. I hope now you understand what do I do. I give knowledge. A lot of information too. Don't stop reading too. Just go through.
That's why I'm the best friend of you. I'm the best friend of you. Wow, kitna wonderful dream tha. Sach mein, books kitni helpful hoti hain. They give us knowledge. They teach us new words. They entertain us too. इसलिए आज से प्रज्ञा दी की तरह मैं भी अपनी बुक संभाल कर रखूंगी।